हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज मैं करने वाला हूं कलर के साथ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ये थोड़ा सा पानी और अब 2 ग्लास ले लेते हैं जो कि पूरे खाली होने चाहिए। तो हम 2 कलर को मिला के एक और नया कलर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर इक्वल पानी कर देते हैं दोनों ग्लास में, कुछ इस तरीके का। आपको पानी ले लेना है, बीच वाला ग्लास खाली रखने का है और दोनों पानी सेम होना चाहिए। तो चलो इसको हम कलर मिलाते हैं और 2 कलर को मिला के एक और नया कलर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर येलो कलर और ब्लू कलर और देखते हैं दोनों कलर को मिला के कौन सा कलर बनता है। तो इसके अंदर हम येलो कलर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। और आप इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हो, तो मैं 2 चम्मच ले लेता हूँ जिससे कलर और भी गाढ़ा हो जाता है। ये हमारा येलो कलर तो बन के रेडी है, बारी है ब्लू कलर की। अब ब्लू कलर भी इसको अच्छे से बना लेते हैं। हमारे पास अभी कलर खत्म होने वाला है, तो मेरे को दूसरा मार्केट में जाके लेना पड़ेगा। तब तक ये कलर बनते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। आप वीडियो तो बहुत देखते हो मेरे, लेकिन सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो पूरा खाली कर लेते हैं और ये ब्लू कलर बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इस दोनों कलर को मैं इसके अंदर मिक्स करूंगा और देखना आप तीसरा कलर बन जाएगा। बट अगर ये तीसरा कलर बन जाए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ का सपोर्ट बनाए रखना। ऐसे ही जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइब करवा दो। तो इसके अंदर हमने येलो कलर डाल दिया, अब डालते ब्लू कलर और देख सकते हो ये अपना रंग बदलने लगा। और ये कौन सा रंग बनाया आप कमेंट में बता दीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप कमेंट में बता दीजिए अगर आपको पता है तो। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।